हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेले भरवा करेले की सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने करेले लिए, अब इस तरीके से हम इसको छील लेंगे। इस तरीके से हम इसका बीज निकाल लेंगे। करेले छील के हमने धो लिए हैं। अब इसमें हम पानी के अंदर एक चम्मच नमक डाल देंगे। अब करेले हम 10 मिनट के लिए इसके अंदर भिगवा देंगे ताकि कड़वापन निकल जाएगा। मिनट हो गए हैं, अब इसको हम नॉर्मल पानी से धो लेते हैं। करेले को हमने धो लिया है और पानी बॉयल में चढ़ा दिया। अब उसमें हम आधी चम्मच नमक डाल और अब हम इसमें करेले डाल। अब हम मिडल आंच में इनको 10-15 मिनट तक उबालेंगे। अब हमारे करेले उबल गए हैं, अब गैस की फ्लो हम बंद कर देते हैं और इसमें निकाल लेते हैं। करेले को हमने ठंडे पानी से धो के इस तरीके से निकाल लिया है। अब हम मसाला बनाते हैं। इसके लिए हमने 2 प्याज बारीक काट लिए, 10-15 लहसुन की कुल्ली बारीक काट ली, 2 छोटे चम्मच दही, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच की रायता। अब हम मसाला बनाएंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि हमने पहले से ही नमक में उबाला था उसको। दो चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और आधी चम्मच हल्दी। एक बड़ा चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे जब तक प्याज भुन जाए। अब हमारे प्याज भुन गए हैं। अब इसके अंदर हम सौंफ डाल देंगे, फ्राई कर देंगे, मसाला ऐड कर देंगे। आधी कटोरी से हम पानी ऐड करें। गैस की आंच है मीडियम कर दी है और इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। मसाला तो हमारा पक गया है।
अब इसको करेंगे भी करेंगे इस तरीके से भरेंगे हम करेंगे। अब इस तरीके से हमने मसाला करेले का पर भर लिया, थोड़ा सा मसाला के अंदर पानी ऐड कर दें आधी कटोरी का। एक चम्मच कसूरी मेथी है, अब इसके अंदर हम करेले ऐड कर दें। दो मिनट के लिए हमें ढक दें। मिडिल आंच दो मिनट हो गए हैं, अब इनको हम पलट देंगे इस तरह। दो मिनट के लिए और पका लेते हैं इसको मिडिल आंच। हमारे करेले बनके तैयार हो गए। अब हम गैस बंद करें।